अस्सलाम वालेकुम। कुछ डिफरेंट लग रहा है? बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कैमरा से शूट करके दिखाना है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर, आप जो अपनी शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, या उसका लाइटिंग सेटअप क्या है, उसकी किस तरह से आप अपना कैमरा कहाँ प्लेस कर रहे होते हैं और क्या चीज़ें कर रहे होते हैं। सो शूट से लेकर एडिट तक, इवन लाइटिंग सेटअप, सब दिखाने वाला हूँ आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये माइक है। ओके जी, सबसे पहले तो ये मेरा सोफ़ा, चेयर, रिक्लाइनर, जो भी आप इसे कहना चाहें कह लें, इसके ऊपर मैं यूजुअली बैठा होता हूँ। वैसे तो ये मैंने इसलिए लगाई है कि भैया यहाँ सामने मेरा ढेर सारा बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, तो ये मेरा एक तरह से पर्सनल थिएटर है और यहीं पर मैं बैठ करके अपनी शॉर्ट्स बना रहा होता हूँ। अब शॉर्ट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, या कोई भी वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है लाइटिंग। लाइटिंग के लिए मैं ये रिंग लाइट यूज़ कर रहा होता हूँ। ना ये रिंग लाइट थोड़ी सी अच्छी नस्ल की है। आई नो बहुत ज़्यादा डस्टी हो रही है, लेकिन इट इज़ गुड, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही होती है। एंड इसको हम रखते हैं सिंपली यहाँ पे। अच्छा जी, ये लाइट तो मैंने यहाँ पर लगा कर ऑन कर दी, सही है। अब इस जगह पे बड़ी परफेक्ट सी लाइट आ रही है। मैं लाइट वैसे आपको दिखाऊं तो ये थोड़ा सा राइट साइड पर और नीचे की जानेब है, ठीक है ना। तो जो एक एंगल से लाइट आ रही होती है ये वो है। बाय द वे, पावर के लिए मैंने यहाँ पीछे लगाया हुआ है। ये समझ लो, ये जो छोटी सी टेबल आपको दिख रही है, ये मेरा चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ हर मेरी चीज़ चार्ज हो रही होती है। ये है मेरी वो कलरफुल RGB लाइट्स, एपर्चर MC, और ये 4 का पूरा सेट है। ये इसका अपना ये चार्जिंग है, वायरलेस चार्ज यहीं पर हो रही होती है ये इस पर। एंड दो लाइट्स हमें ज़रूरत है इस वक्त। जो बैकग्राउंड में आपको कलर दिख रहा होता है वो सिंपली मैं यहाँ रख दूँ, सॉरी भैया गिर गई थी। सो जो बैकग्राउंड में कलर दिख रहा होता है वो सिंपली मैं यहाँ रखता हूँ, और इससे ये होता है कि ये वॉल पे कलर आना शुरू हो जाता है। दूसरी एक लाइट, तो ये मेरा यहाँ एक्वेरियम है, इसके ऊपर यहाँ पे रख देता हूँ। दैट्स इट। अब ये चीज़ कवर करेगी, हल्की सी लाइट मेरे लेफ्ट साइड पर आ रही होगी। मैं इसको ऑन भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने ये ऑन किया और ये ऑन किया, आपको यहाँ ग्रीन ग्लो दिख रहा है। और अब अगर आप देखें तो वहाँ से पर्पल आ रही है, यहाँ से ग्रीन आ रही है, परफेक्ट हो गया बस। सो कैमरा के लिए ये मेरा रखा हुआ है ट्राईपॉड, ये हम रखेंगे यहाँ पे और इसके ऊपर लगाएंगे अपना कैमरा। नाउ एक चीज़ बड़े मज़े की, जब ये मैंने ट्राईपॉड लिया था, इसका ये बॉल हेड मुझे बड़ा पसंद आया था, तो ये मैंने बॉल हेड एक्स्ट्रा भी ले लिया था। और यहाँ पर जो मेरा कैमरा सेटअप है इस पर भी सेम बॉल हेड है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर यूजुअली मैं अपनी वीडियोस जो नॉर्मल है, रेगुलर, वो शूट कर रहा होता हूँ। ये HDMI और पावर केबल लगी हुई है, इसको यहाँ से लूज़ करते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक काम कर रहा हूँ एक हाथ से मैं। सो ये मैंने एक और चीज़ की हुई कि इस पे प्लेट ज़रा लंबी वाली लगाई हुई है, आगे पीछे करने में काम आता है। एनीवेज, इसको मैं सिंपली इस पर सेट करूँगा। सबसे पहले तो इसको टाइट करें ताकि ये कहीं भागे नहीं। ओके, ये हो गया। नाउ दूसरी जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, रील्स या शॉर्ट्स जो हैं आपने देखी होंगी हमेशा वर्टिकल होती हैं, तो ये यहाँ पर एक बॉल हेड है, ठीक है, इसके थ्रू मैं इसको वर्टिकल कर लूँगा। सो इसको मैंने सिंपली यूं टिल्ट कर दिया कैमरे को, और इसको ऑन करेंगे और अपना फ्रेम सेट करेंगे। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही होती है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यूजुअली मेरे पास अपने एक मैग्नेट लगा हुआ देखा है, ठीक है, और ये जो मैग्नेट है ये क्या कर रहा होता है कि जी ये मेरी शर्ट और इसके बीच में अटका हुआ होता है। अब जो इस वक्त करंटली आप लोग देख रहे हैं ये, हेलो, मेरे फ़ोन पर लगा हुआ है। सो इसका जो अब रिसीवर है वो मुझे ट्रांसफ़र करना होगा अपने कैमरा में और फिर रिकॉर्ड करना होगा, सिंपल सा काम। एपर्चर की जितनी भी लाइट्स हैं उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसकी अपनी एक ऐप आती है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये है मेरा iPad, और लेट मी शो यू कि मैं किस तरह से मैनेज कर रहा होता हूँ। सो ये ऐप है साइडस लिंक, और इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो ये आ जाती है
मेरा पूरा सेटअप। सो आरजीबी लाइट्स का ये पूरा सेटअप है मेरा, एंड ये ख़ुद डिटेक्ट करेगा कि इस वक्त कौन कौन सी लाइट्स ऑन हैं। जैसे ये वाली लाइट है, इसका मैंने ख़ुद नाम रखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ भी है 4, ठीक है जी। सो ये मुझे पता है कि ये 4 नंबर पर है, और ये रहा, मैंने 4 यहाँ से सेलेक्ट किया। यहाँ से मुझे सिंपली ये करना है कि इसका कलर ख़ुद बताना है। सी दिस, थोड़ा ब्लूइश चला गया, या अगर रेड करना है तो ये रेड हो गई। वो जो पीछे वाली लाइट है वो ग्रीन है, उसको मैं चेंज करता हूँ। ये मैंने 3 सेलेक्ट कर ली है, और अब लाइट देखिएगा तो ये मैंने ऑरेंज कर दी। या जिस तरह का आपको कलर चाहिए आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के कलर्स आ रहे होते हैं। अच्छा, जल्दबाजी में एक चीज़ तो बिल्कुल ही बताना भूल गया कि यूजुअली एक साइड पर अगर ये जैसे मेरी लाइट है, ये की लाइट है, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करी होगी ना। इसकी वजह से ये होता है कि इस तरफ जो मेरा फेस है वहाँ पर लाइट अच्छी आ रही होती है, लेकिन इस तरफ राइट साइड पर, यानी वीडियो के राइट साइड पर और मेरे लेफ्ट साइड पर बहुत अंधेरा होता है। ये वाली जो लाइट है ये पीछे से आ रही है, जो कि बहुत हल्की सी एक स्ट्रीक एजेस पर दिख रही होगी, ठीक है ना। यहाँ से मुझे फिल लाइट चाहिए ना। फिल लाइट के लिए मेरे पास एक और ये बड़ी सस्ती सी लाइट है, मुझे याद भी नहीं है कि ये कौन सी है, कितने की ली थी। इट्स अ सिंपल वीडियो लाइट, और इसको मैं डायरेक्टली अपने फेस पर नहीं मारूंगा। मैं ये मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा है वाइट कलर का, इससे मैं सिंपली बाउंस करूंगा। तो सिंपली इसको हम प्लग इन कर देते हैं ना। ये जो लाइट है ये सिंपली इस दरवाजे से बाउंस होकर के मेरे फेस पर हल्की सी आ रही होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया। तो ये मेरा पूरा सेटअप है भाई, ये यहाँ से कैमरा, और ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट एंड ये लाइट, और बाकी तमाम लाइट्स ऑफ। सो लेट्स जस्ट टर्न ऑफ एवरी लाइट, दैट्स इट। अच्छा जी, एक और चीज़, ये एक छोटा सा रिमोट है जो कि मेरे कैमरे के लिए है। ज़ाहिर है मैं वहाँ जब बैठा हूँगा तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग में ये काम आ रहा होता है। अब मैं अपना माइक्रोफोन कैमरे के ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ, और लेट्स शूट अ रील और शॉर्ट, जो भी आपका है। भाई गैस की बीमारी है? नहीं नहीं, पेट वाली नहीं भाई, GAS, गैजेट एक्यूमुलेशन सिंड्रोम। ओके जी, सो नेक्स्ट डे, कल रात में काफ़ी देर रात हो चुकी थी वो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, और उसमें मुझे बाद में पता चला कि ऑडियो रिकॉर्ड सही नहीं हुआ था, तो मैंने दोबारा से उसको रिकॉर्ड कर लिया। बट एनीवेज, अब आपके सामने वो मैं वीडियो इंपोर्ट करूँगा और एडिट करूँगा। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ प्रीमियर में मौजूद हूँ, और मैं जाके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट पे। प्रीमियर मैंने नया इंस्टॉल किया हुआ है 2023, और इस पर मैं आकर के न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये थोड़ा सा अब नया हो चुका है सिलसिला, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी स्टॉक फुटेजेस आपको मिली हुई हैं एडोबी अकाउंट अगर है तो। एनीवेज, यहाँ से मैंने नाम दे दिया अपने प्रोजेक्ट का, और मैं नाम दे देता हूँ GAS शॉर्ट, ठीक है। और ये मैं रखूँगा कहाँ पर, ये मैं जा कर के चूज़ लोकेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपने अपना प्रोजेक्ट की लोकेशन बता दी कि कहाँ सेव होगा। अब आ जाएँ अपने फोल्डर पे जहाँ पर आपने अपनी फाइल्स रखी हुई हैं। ये है वो मेरा फुटेज जिसको मैं इंपोर्ट करूँगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एंड क्रिएट। सो ये जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ही आपसे पूछ रहा है कि जी सीक्वेंस का नाम क्या रखना है। सीक्वेंस का नाम आप चाहें तो रख लें, मैंने गैस ही रख दिया, एंड बल्कि गैस एडिट कर देते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो अपना वर्क स्पेस मैं एडिटिंग पे रख रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो है। नाउ सबसे पहले तो एक और मसला कि हमारी जो वीडियो की ओरिएंटेशन वो वर्टिकल होनी है, तो वर्टिकल करने के लिए मैं क्या सीक्वेंस सेटिंग्स। तो सिंपल सा काम ये है कि जी हमने यहाँ पर इसको उलट करना है, यानी 3840 यहाँ आना चाहिए और 2160 यहाँ आना चाहिए सीक्वेंस सेटिंग्स में, याद रखिएगा, ठीक है। सो मैंने सिंपली ये किया कि 2160 यहाँ कर दिया, 3840 यहाँ कर दिया। याद रखिएगा ये मेरी वीडियो 4K में शूट हुई हुई है, और दैट्स इट। बाकी तमाम सेटिंग्स ऐसे ही रख के हम ओके करते हैं, वो एक आपको मैसेज देगा कि जी आप
चेंज कर रहे हैं, ओके कोई मसला नहीं है, हम चेंज कर देते हैं, बट हमारी वीडियो अभी भी वो वैसे ही है, ये याद रखिएगा, ये सीक्वेंस चेंज हुई है। तो हम वीडियो को चेंज करने के लिए अपने इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, अपनी वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप आकर के रोटेट, अब मुझे इसको रोटेट करना है -90 degrees, ठीक है, दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैं यूजली चेंज कर रहा होता हूँ कि लाइक इसको थोड़ा सा स्केल अप कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा राइट साइड पर कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रेम, बिल्कुल परफेक्ट। बिफोर एडिटिंग एनीथिंग, ठीक है, आई नीड टू फिक्स द ऑडियो। ऑडियो अगर आप सुने अभी, इस बीमारी में होता यह है कि आपके पास बुरी नहीं है ऑडियो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम करना है। सो व्हाट आई विल डू कि मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और सिंपली जाऊंगा जल्दी से एडिट क्लिप इन एडोबी ऑडिशन। एक छोटा सा प्रीसेट बनाया हुआ है, याद रखिएगा कि इस वक्त मैं ऑडियो के बारे में कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रीसेट बना रखा है, इमरान विद नॉइज रिमूवल एंड मास्टरिंग या इमरान शॉर्ट्स, सही है। सो ये वाला मैंने लगाया है। बीमारी में होता यह है कि आपके पास ऑलरेडी इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक तो क्लैरिटी VX Pro है, ये एक पेड प्लगइन है जो कि नॉइज रिमूव कर रहा होता है। एंड दूसरा मैंने थोड़ा सा इक्वलाइज किया हुआ है, तीसरा मैंने मास्टर किया हुआ है थोड़ा सा खेलने के लिए आवाज़, दैट्स इट। सो इसको मैंने यहाँ से अप्लाई किया एंड सेव करके बंद कर दिया। सो जैसे ही मैंने अप्लाई किया, सेव किया, बंद किया, यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। अब आ जाएं हमारी वीडियो के कलर्स पर। सो मैं सिंपली यहाँ से अपना विंडो खोल रहा हूँ ल्यूमेट्री, और सबसे पहले तो मैं इसकी बेसिक करेक्शन करूँगा। नाउ देखें, इतना बुरा रिज़ल्ट वैसे भी नहीं है, सही है, बस थोड़े से फीके से कलर्स आपको अगर फील हो रहे हैं तो वो है, उसको हम सही करते हैं। जो वाइट बैलेंस है आई थिंक वो बिल्कुल सही है। देखें वाइट बैलेंस क्या होता है कि अगर हम बता दें कि जी ये चीज़ वाइट है तो वो कर देता है, लेकिन मैं वाइट बैलेंस अपना ही करना चाहूँगा, थोड़ा सा वार्म करना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा, बल्कि नहीं, इसको हल्का ही रहने दें, दैट्स इट। देन एक्सपोजर मैं थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ एंड हाइलाइट्स को मैं नीचे ला रहा हूँ। सी हाइलाइट्स अगर मैं बढ़ाऊँगा तो ये माथे पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाइलाइट आ रही है, मैंने थोड़ा सा कम किया हाइलाइट्स को। शेडोज़ को मैं नीचे ला रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क हो, वाइट्स को बढ़ाऊँगा। ना वाइट्स को बढ़ाने से क्या हो रहा है कि रोशनी बढ़ रही है, हमने ओवरऑल हर जगह से अंधेरा किया है लेकिन वाइट्स को बढ़ा के हमने बैलेंस किया, एंड थोड़ा सा ब्लैक्स को नीचे ला रहा हूँ। सो आई थिंक दैट्स इट, ये तो डन हो गया। अब इसमें मैं एक हल्का सा एक लट लगाऊंगा। यूजली देखें लट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि सब्जेक्टिव है, कोई फिक्स नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आप अपना कोई स्पेशल लट बनाएं और ख़रीदें। अगर आपको अपने जो बिल्ट इन लट्स हैं उनसे फ़ायदा मिल जाता है तो परफेक्ट है। सो यहाँ पर एक बड़ा मज़ेदार सा मुझे एक लगता है, यहाँ नीचे अगर हम आ जाएं तो एक है आपके पास SL गोल्ड रश HDR। नाउ HDR क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो HDR में है, HDR जो है हाई डायनेमिक रेंज होती है, लेकिन जो एक पिक्चर प्रोफाइल है सोनी का HLG मैं वो यूज़ कर रहा होता हूँ, सही है। सो ये मैंने अप्लाई किया और ऑफ कोर्स इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। सी एज सच इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन एक हल्का सा सिनेमेटिक सा लुक आता है, ठीक है। एंड मैं साथ ही साथ थोड़ी सी फेड कर रहा हूँ, फेड फिल्म, और शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, दैट्स इट। सो अब अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ रख रहा हूँ और मैं ल्यूमेट्री ऑफ कर रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर। सो मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्किन को परफेक्ट करना और ये सब करना कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली सिंपल सा काम किया हुआ। गैजेट एक्युमुलेशन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। सो अब आवाज़ भी सेट है, कलर्स भी सेट है, दैट्स इट। अब एडिट मारूंगा। एडिट मारने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, मेरा टारगेट ये है कि इसको 1 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ करंटली मेरे पास जो ये वीडियो है ये तकरीबन 1 मिनट 17 सेकंड्स की है। सो ऑफकोर्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा माइनस होगा, कहीं आपको भी तो गैस की बीमारी नहीं है। सो ये स्टार्टिंग का मैं उड़ा रहा हूँ,
एंड अच्छा बाय द वे ई और आर ये दो शॉर्टकट्स मैंने अपने बनाए हुए हैं एडिटिंग में, इसकी एक वीडियो मैंने बनाई थी वो लिंक मैं दे दूंगा अगर मुझे मिल जाती है तो देख लीजिएगा। ओके okay. कोई भी चीज़ आपके पास बेहतरीन चल रही है लेकिन स्टिल आपने देख लिया यूट्यूब पर कोई रिव्यूज़ और धड़ाधड़ रिव्यूज़ आए जा रहे हैं, अब आपको ये लग रहा है कि ये अगर आप अब ये जो धड़ाधड़ रिव्यूज़ आए जा रहे हैं ये मुझे लग रहा है कि इसको काट दिया जाए, सो मैंने यहाँ से और यहाँ से काटा और इसको उड़ा दिया। आपने देख लिया यूट्यूब पर कोई रिव्यूज, अब आपको परफेक्ट डन, अब मैं इसको करूंगा रेंडर। पास्ट में आपने मेरे प्रीमियर के जितने भी ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखी हैं उसमें बहुत पुराना वाला प्रीमियर था, अब जो है ये लेटेस्ट वाला है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई होंगी, जैसे आपने इंपोर्ट के वक्त में भी देखा कुछ चीज़ें चेंज हैं। एक्सपोर्ट में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर तो आपके पास याद रखिएगा कि पहले कंट्रोल एम हम करते थे, तो अभी भी हम कंट्रोल एम करके जा सकते हैं, कंट्रोल एम करते हैं तो ये हम आ जाते हैं। बेसिकली आप एडिट और एक्सपोर्ट या ऊपर यहाँ पर आपको टैब्स दिए हुए हैं, सो मैंने यहाँ सिंपली एक्सपोर्ट पे मैं गया और सेटिंग्स में यूजुअली क्या कर रहा होता हूँ, सबसे पहले तो वीडियो का नाम फाइल नेम ठीक है, एंड इसको मैं सेव कहाँ कर रहा हूँ ये मुझे बताना होगा, तो मैं वाई टी शॉर्ट में जा कर के ये वाला फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ मैच दोस हाई बिटरेट ठीक है, नीचे आ जाएं वीडियो पे, यहाँ पर सबसे पहले तो इस पर मोर पर क्लिक करें, रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ मैं ये कर रहा हूँ नीचे आ जाएं कि हम इसकी मेक श्योर कि ये हार्डवेयर इनकोडिंग पर रखा हुआ है, ये याद रखिएगा कि आपके पास जीपीयू होना चाहिए जो कि हार्डवेयर इनकोडिंग सपोर्ट करता हो ठीक है जी। नीचे आ जाएं, यहाँ पर VBR वन पास के बजाय मैंने CBR किया, कांस्टेंट बिटरेट, VBR होता है वेरिएबल बिटरेट, मैं कांस्टेंट बिटरेट पे कर रहा हूँ, हाई क्वालिटी में करूँगा। नाउ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाएंगे उतनी बड़ी आपकी फाइल बनती जाएगी। CBR मैं 100 तक रख रहा हूँ, याद रखिएगा ये 4K है इसलिए 100 तक जा रहा हूँ ठीक है। आई थिंक और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, बस सिंपली यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। सो ये वाली जो मैंने शॉर्ट्स अभी एडिट की है और रेंडर की है और ये अपलोड होगी 3 जगहों पर, यूट्यूब पर, यूट्यूब शॉर्ट्स में, दूसरा फेसबुक रील्स में और तीसरा टिकटॉक पर। टिकटॉक मेरा है GFXMentor ऑफिशियल के नाम से, फेसबुक है GFXMentor के नाम से पेज, और यूट्यूब पे तो देख ही रहे हो ये तुम लोग यार। सो आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को भी मिला होगा। अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।